हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और क्लास सिक्स का बच्चों, साइंस का पेपर जो आज आपका हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है खंड क। इसमें देखिए, कमज़ोर दृष्टि विटामिन सी की कमी का लक्षण है। तो ये विटामिन सी की कमी का लक्षण नहीं होता, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य। हम आंसर देखेंगे, जैसे ही आंसर की आएगी आपके साथ जो है उसकी आंसर की जो ऑफिशियल है वो शेयर कर दी जाएगी। क्लियर, तो कम नहीं बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। दर्पण से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, सत्य है। गन्ने के पौधे में फूल होते हैं, असत्य है। उसके बाद प्रकाश देने वाले पतले तार को विद्युत बल्ब का तंतु कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फिलामेंट बोलेंगे तंतु। एक बेलनाकार चुंबक में ध्रुव कितने होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, टू पोल्स होते हैं। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, तने से। ठीक है, उसके बाद समुद्र में जानवर डैश पानी से घिरे रहते हैं, नमकीन पानी से। समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो नमकीन पानी से। ठीक है, उसके बाद बिजली के तारों को विद्युतरोधी सामग्री से क्यों लपेटा जाता है, ताकि करंट ना लगे। पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण दीजिए, तो पारदर्शी पदार्थों में क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी पॉलीथीन लिख सकते हो, उसके अलावा कांच लिख सकते हो। उसके बाद है मीमोसा पौधे का सामान्य नाम, क्या हो जाएगा, छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा। इंग्लिश में हो जाएगा टच मी नॉट। ठीक है, उसके बाद है ऐसे दो उदाहरण दीजिए जहाँ हवा किसी वस्तु की गति करा सकती है। तो हवा किसी वस्तु की गति करा सकती है, पतंग की गति करा सकती है, कागज़ की गति करा सकती है, इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये इंग्लिश में दिया गया है तो यहाँ से आप इंग्लिश का पेपर भी देख सकते हो बच्चों, कंप्लीट पेपर। ठीक है, ये इंग्लिश का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है, मोटापा किसी अभाव से होने वाला रोग नहीं है। ये क्वेश्चन करने थे आपको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे बच्चों। हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेनी चाहिए, नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि नाक में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं जो वायु को छान देते हैं। जड़ के दो कार्य लिखने थे। मैग्नीस की छड़ी किस तरह से बना सकते हैं, दीप्त पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है। पारभाषी वस्तुएं होती हैं जिनमें से आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल देने थे, दोनों में से कोई एक करना था नाइन्थ में। ये इंग्लिश में हो जाएगा। ल्यूमिनस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट नहीं, पारभाषी है बेटा, ट्रांसल्यूसेंट है ना, पारभाषी होते हैं जिनके अंदर धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पे पारभाषी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर धुंधला दिखाई देता है, जैसे बटर पेपर है, पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई देने वाला। उसके बाद है, तना पौधों में दो तरफा यातायात वाली सड़क के समान है। तो तना जो है, तने पे क्या है, पत्तियाँ वो भोजन को भी पहुँचाती है, और तना जो पानी है और जल है, पानी और जो खनिज लवण है उनको पहुँचाने में भी मदद करता है, तो इसीलिए दोनों काम करता है, तो दो तरफा यातायात वाली सड़क के समान है, ऐसे लिखना था। चुंबकीय कंपास की संरचना करनी थी, जो चुंबकीय नहीं है और जो चुंबकीय है उनको बताना था। तो इसमें चुंबकीय कौन कौन से नहीं है, ठीक है, इसमें देखिए चमड़ा, कागज़ और कांच, ये हो जाएंगे जो चुंबकीय नहीं है, और चुंबकीय हैं तो निकेल, लोहा, कोबाल्ट। उसके बाद आपको मैच करने थे, तो अंडे के साथ मैच करना था। अंडे के साथ आप जो है प्रोटीन मैच कर दोगे, मूंगफली के साथ वसा, ब्रेड के साथ कार्बोहाइड्रेट, सूरज की रोशनी विटामिन डी, तरबूज में होता है पानी, विटामिन बी यकृत के लिए अच्छा होता है, ये मैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 13, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में है 10th क्वेश्चन से, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वात सूचक हमें किसके बारे में बताता है, वायु की दिशा। पवन की दिशा जिसकी गति निर्धारित करती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वायु के वे घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक हैं, तो धूल और धुआं, ये हानिकारक हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, दो गैसें मिलकर 99% वायु बनाती हैं, इसका हो जाएगा ए, 1% जो बचे वो ये गैसें होती हैं। उसके बाद है, ये इंग्लिश का मीडियम का है, इसमें इसका बी हो जाएगा, सेकेंड का बी, थर्ड का ए, और इसका भी ए हो जाएगा। उसके बाद 14 देखिए, पॉलीथीन के अंदर दिखाई देने वाली बूंदें निम्न के कारण होती हैं, वाष्पोत्सर्जन के कारण। सरसों के पौधों की फूल की पंखड़ियों का रंग कैसा होता है, पीला होता है, बहुत ईजी सा पेपर था। मिट्टी को पूरी तरह पानी से भर कर रखे तो क्या होगा, पौधे कभी भी बीज पौधे के रूप में विकसित नहीं होगा, क्योंकि गल जाएगा, ठीक है, अगर पानी से भरा रहेगा तो। उसके बाद देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बच्चों।
उसके बाद है यदि पहली बीजों को एक दूसरे के बहुत निकट बोती है तो क्या होगा, तब क्या होगा जो विकास है वो कम और धीमा होगा, क्लियर, विकास ही नहीं होगा बहुत ज़्यादा पास पास बोने से। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से देखिए, जानवर और पौधे में कुछ विशेषताएं होती हैं तो उनको बोलते हैं अनुकूलन। उसके बाद है सेकंड, जिन बकरियों द्वारा मुलायम पश्मीना ऊन एकत्रित की जाती है वो कहाँ पाई जाती है, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ से देख सकते हो। बकरी के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है जो कि उसको क्या करती है, अत्यधिक ठंड से बचाती है, इसका डी हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष जो है वो सामान्यतः कैसे होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चे कंप्लीट पेपर, ये इंग्लिश मीडियम का देख लीजिए, ठीक है, इसका डी हो जाएगा और इसका कोन शेप होते हैं ये हो जाएगा। तो जैसे ही आंसर किया जाएगा आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।